नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल पूरा विश्व एक बहुत ही खतरनाक वायरस की चपेट में है। पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है और हमारे देश की स्थिति भी दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। इसी को देखकर पूरी जो अवस्था है उनको देखकर मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं और इन्हीं विचारों को मैंने कुछ पंक्तियों में लयबद्ध किया है। प्रस्तुत है एक छोटी सी कविता, मन किया कुछ बोल दें। आज इस संदर्भ में मनुष्य का अंतर्मन डर गया है, आज इस नए संघर्ष में संघर्ष अनेकों बार हुए, बहाने कई हजार हुए, पर आज एक छोटे से वायरस के आगे हम पूरी मानव जाति लाचार हुए। बड़ी बड़ी शक्तियां भी आज धराशायी हुई, पर हमारे देश में जाने क्यों आज भी राजनीति हुई। वायरस न जाने कोई जाति धर्म, न जानता वह कोई ईमान। उसे तो सिर्फ संक्रमण फैलाना है, चाहे कोई भी धर्म हो या चाहे कोई भी इंसान। सरकारी आदेश मिला है, जब सब घर पर ही रहो, मौत का आगाज देख लो, विश्व की स्थिति देख लो। धर्म जाति संप्रदाय से निकलकर तुम भी सोच लो जरा, हम सबके शरीर के अंदर सिर्फ लाल रक्त ही है भरा। अभी न निकलो घर से बाहर, ना करो तुम कोई जाति धर्म का संकल्प, सिर्फ तुम रहो घर के अंदर, क्योंकि वायरस छोटा है जरूर, पर इसके बहुत बड़े हैं अत्याचार। रोक लगानी है गति पर इसकी, तो सोच समझकर तुम अपनाओ, घर की चार दीवारी में रहकर पूरे देश को भी बचाओ और स्वयं खुद को भी बचाओ। मौत का मंजर ऐसा फैला है विश्व के अनेक देशों में, अगर अभी भी हम नहीं सुधरेंगे तो किसी का भी कंधा नहीं होगा हमारे नसीबों में। एक ही इसका उपाय है, चंद दिन तुम घर पर गुजारो, तो यही हम सबकी राय है। धन्यवाद।